हेड वर्सेस फ्लोरेट एफिशिएंसी वर्सेस फ्लोरेट पावर वर्सेस फ्लोरेट सबको मर्ज करें तो कौन सा मिलेगा लेट्स डिस्कस फ्यूगल पंप में जब भी फ्लूड सक्शन पाइप से इम्पेलर आई में आता है तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द इम्पेलर वेन्स वो फ्लूड डिस्चार्ज पाइप में जाता है अब ये जो इम्पेलर वेन्स होती है वो तीन टाइप की होती है पहली बैकवर्ड काउ ब्लेड सेकंड फॉरवर्ड कौ ब्लेड एंड थर्ड रेडिकल ब्लेड बैकवर्ड कॉ ब्लेड में जो ब्लेड रहती है वो रोटेशन की ऑपोजिट साइड में रहती है और ब्लेड की जो टिप रहती है वो सर्कुलर रेम के टेंजेंट से जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं बीटा एंगल वो जनरली 90 डिग्री से कम रहता है एंड बेसिकली ब्लेड होती है वो फ्लूड को उसके बैक साइड से पुश करती है टुवर्ड्स द डिस्चार्ज पाइप दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से दैट इट इज बैकवर्ड कर्व ब्लेड इन फॉरवर्ड कर्व ब्लेड रोटेशन ऑफ रोटर और जो कौ रहता है ब्लेड का वो सेम डायरेक्शन में रहता है और यहाँ पे जो ब्लेड की टिप रहती है वो सर्कुलर रिम के टेंजेंट से जो एंगल बनाती है uh, और और इज मोर देन 90 डिग्री रेडिकल ब्लेड में ब्लेड सीधी रहती है जो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है नाउ द वेरी वेल नोन इक्वेशन विच इज यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन जो हेड विच इज मैनोमेट्रिक हेड और फ्लोरेड को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन डिराइव हुआ है दिस इज द इक्वेशन हेड इक्वल टू यू टू इन टू ब्रैकेट यू टू माइनस वी आर टू डेट बाई टेन बीट लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स इन दिगर एज यू मे सी इन दिस फिगर दिस इज इम्पेलर दिस इज इम्पेलर आई एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द इम्पेलर नाउ दिस इज द वेन एज वी जस्ट डिस्कस इट इज बैकवर्ड काउ ब्लेड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रोटर इट इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन यहाँ पे जो वेन है वेन की टिप है और ये जो सर्कुलर रिम है उसका टेंजेंट के साथ जो भी एंगल बनाती है दिस इज बीटा एंगल विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द कैलकुलेशन ऑफ द हेड और ये जो टेंजेंट रहता है वो जो वेलोसिटी रहती है विच इज़ कॉल्ड द टेंजेंशियल वेलोसिटी इट इज़ यू टू नाउ जब भी ये वेन्स रोटेट होते हैं तो वो फ्लूड को पुश करते हैं तो जो भी फ्लूड की वेलोसिटी होती है फ्रॉम द सर्कुलर रिम विच इज़ इन दिस डायरेक्शन दैट इज़ वी टू कैपिटल वी टू और वो जो एंगल बनता है विच इज़ आल्फा एंगल तो फ्लूड अल्फा एंगल से इम्पेलर से बाहर जाता है एंड दिस इज नॉर्मल वेलोसिटी विच इज़ वी आर टू न जैसे कि इक्वेशन में हमने देखा है दैट सेकंड इक्वेशन इज वी आर टू डिड बाई टेन बिटा तो वी आर टू को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं कैसे वी आर टू विच इज़ द वेलोसिटी नॉर्मल टू द सर्कुलर रिम जैसे कि पैरी से ऊपर का उसका डायरेक्शन uh, है सो फ्लो रेट क्यू विच इज इक्वल टू वेलोसिटी इन टू एरिया so velocity that is the normal velocity that we just wrote that is vr2 into area let's say peripheral area so in the main equation this vr2 term will be replaced by q by ap so this will be the final equation of head versus flow rate now in real practice जो भी vein होता है उसका angle fixed रहता है जो impeller का diameter होता है वो fixed रहता है तो उसकी वजह से area भी constant रहने वाला है angle भी fixed रहने वाला है तो जिसकी वजह से velocity भी constant रहेगी तो ये इक्वेशन में अगर देखा जाए तो दिस टर्म्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट सो लेट्स नेम इट एच इक्वल टू सी वन माइनस क्यू इन टू सी टू लेट्स डिस्कस दिस इक्वेशन जैसे ही क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो ये सेकंड टर्म बढ़ जाएगा सो so ओवरऑल ये एच की वैल्यू है वो कम होगी सो वी मे से दैट एज पर दिस ग्राफ एज आई एम इंक्रीजिंग क्यू वैल्यू विच इज फ्लो रेट वैल्यू तो वो जो हेड रहता है मैनोमेट्रिक हेड रहता है उसकी वैल्यू कम होगी और ये लिनियर इक्वेशन है तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन अगर फिर से एच के इक्वेशन पे बात करें तो जिसमें एंगल का टर्म रहता है विच इज टेन बीट एंड वी नो दैट इन द बैकवर्ड कव बीटा एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री से कम रहता है तो जब भी टेन 90 डिग्री से कम रहता है तो जिसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो वो केस में हम बोल सकते हैं कि जैसे ही फ्लोरेट हम बढ़ाएंगे वैसे ही हेड की वैल्यू कम होगी बट फॉरवर्ड ब्लेड की बात करें जिसमें बीटा वैल्यू इज ग्रेटर देन नाइन्टी तो टेन ग्रेटर देन नाइन्टी जो भी वैल्यू रहती है वो हमेशा नेगेटिव रहती है तो दिस सेकंड टर्म विल बिकम पॉजिटिव वैल्यू So, जैसे ही मैं फ्लोरेट बढ़ाऊंगा तो एच की वैल्यू बढ़ेगी तो इन फॉरवर्ड ब्लेड फ्लोरेट के हिसाब से एच की वैल्यू भी बढ़ती है और रेडिकल ब्लेड की बात कर तो उसमें एंगल 90 डिग्री रहता है तो टेन 90 विच इज इनफाइनेट तो ये सेकंड टर्म निकल जाएगा सो वी मे से कि जितना भी हम फ्लो रेट में चेंज करते बट उसमें जो भी हेड क्रिएट हुआ दैट विल बी कॉन्स्टेंट सो दिज आर द डिफरेंट ग्राफ ऑफ एच वर्सेज क्यू फॉर बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड रेडिकल ब्लेड इन मोस्ट ऑफ द केस इन द इंडस्ट्री दे आर यूजिंग बैकवर्ड कउ ब्लेड नाउ पावर रिक्वायरमेंट विच इज नथिंग बट द मास मॉस फ्लोरेट इंटू जी इंटू एच विच इज डेवलप्ड हेड अगर मास फ्लो रेट को वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के टर्म में लिखा जाए विच इज क्यू इंटू रो इंटू जी इंटू एच तो ये इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि अगर हम फ्लो रेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एच की वैल्यू कम होगी बैकवर्ड में तो पावर की जो वैल्यू होगी इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी ऑब्वियसली हमेशा पावर बढ़ने ही वाला है बट इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा अगर मैं फॉरवर्ड ब्लेड की बात करूं तो क्यू की वैल्यू बढ़ेगी वैसे एच की वैल्यू भी बढ़ेगी तो वो केस में कंपेयर टू बैकवर्ड फ्लुड पावर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है सो इन दैट कंपैरिजन हम बोल सकते हैं कि बैकवर्ड का ब्लेड रहता है विच इज मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ हेड इन टर्म्स ऑफ पावर ना हमने इक्वेशन में डिस्कस किया कि ये जो लिनियर रिलेशन रहता है उसकी वजह से स्ट्रेट लाइन आती है बट इन एक्चुअल द पैटर्न ऑफ एच वर्सेज क्यू इज काइंड ऑफ दिस इसका मीनिंग ये है कि जब भी फ्लूड इंपेलर आई से इंपेलर के थ्रू डिस्चार्ज पाइप में जाता है तो ब्लेड के ऊपर से सर्कुलेट करता है तो वो केस में शॉक लॉसेस रहता है ऐसा हमेशा नहीं होता कि सीधे ब्लेड के टिप पे से बाहर निकलते वहां पे सर्कुलेशन मोशन रहता है वहां पे फ्रिक्शन रहता है तो उसकी वजह से ये जो हमारा कौ मिलता है विच इज नॉट द स्ट्रेट लाइन दिस आर द फाइनल इक्वेशन फ्रॉम द एफिनिटी लॉ दिस इज एट कॉन्स्टेंट एन एंड दिस इज एट कॉन्स्टेंट डायमीटर तो हमने जो अभी इक्वेशन डिस्कस की है दैट इज़ एफिनिटी लॉ जिसका कैरेक्टरिस्टिक कौ में भी इम्पोर्टेंस रहता है सेंट्रिफिकल पम्प अगर डिज़ाइन पैरामीटर पर रन करें सो दैट इज़ फाइन बट जब भी, भी कोई कोई कंडीशंस चेंज होती है जैसे कि हेड में चेंज होता है फ्लोरेट में चेंज होता है प्रेशर में चेंज होता है स्पीड में चेंज होता है या तो डायामीटर में चेंज होता है तो अगर ये सब कंडीशन चेंज होती है तो पंप का बिहेवियर क्या होता है अगर ये जानना है तो इसके लिए सेट ऑफ टेस्ट रहते हैं एंड बेस्ड ऑन देट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कौज रहते जो पंप की कैरेक्टरिस्टिक हमें बताता है एट डिफरेंट कंडीशन सो दिस काउस आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक काउज ऑफ द पंप जिसको समझने के लिए हमें थोड़े बेसिक पैरामीटर जानने जरूरी है विच आर इंक्लूडेड इन द काउज सो लेट्स सी दैट स्टार्टिंग विद कैपेसिटी विच इज नथिंग बट द वॉल्यूमेट्रिक फ्लोर एट विच इज वेरी वेल नोन देन हेड हेड इज दैट डिफरेंस बिटवीन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट टू पॉइंट्स दैट्स अ डिफरेंस जनरली इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर्स थर्ड विच इज वाटर हॉर्स पावर दैट मीन्स जो भी इम्पेलर रोटेट करता है उसकी एनर्जी फ्लूड में कितनी जाती है दैट इज़ कॉल्ड द वॉटर हॉर्स पावर विच इज़ इंडिकेटेड बाय एम डॉट जी एच विच इज़ क्यू रोह जी एच दिस इज़ द वॉटर हॉर्स पावर देन ब्रेक हॉर्स पावर ब्रेक हॉर्स पावर दैट मीन्स जो भी हम एक्चुअल में मेकेनिकल वर्कशॉफ्ट से देते हैं उससे इम्पेलर में कितना पावर जाता है दैट इज द ब्रेक हॉर्स पावर विच इज़ नथिंग बट ओमेगा टाव शॉफ्ट दैट इज द टॉर्क टॉर्क विच इज़ नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट टाइम अब ये सब पैरामीटर से हमें एफिशियंसी का टर्म निकालना पड़ेगा विच इज दंप एफिशियंसी विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन द कैरेक्टरिस्टिक कॉज द रेशियो ऑफ वाटर हॉर्स पावर टू द ब्रेक हॉर्स पावर कि कितना फ्लूइड में एनर्जी पास होता है और कितना साफ्ट से एनर्जी देते हैं उसका रेशियो बोलते हैं और भी एफिशिएंसी रहती है मोटर एफिशिएंसी जिससे शाफ्ट से कितना पावर जाता है और इंपेलर में कितना पावर आता है कुछ मैकेनिकल लॉसेस रहते हैं उसकी वजह से हमें मोटर एफिशिएंसी जानना जरूरी है विच इज द रेशियो ऑफ दिस ओमेगा टी शाफ्ट और ये कितना हमने शाफ्ट में से पावर दिया विच इज अंडर रूट थ्री पावर फैक्टर देन वोल्टेज इंटू एम्पियर तो बाई मीन्स ऑफ दिस इक्वेशं वी कैन कैलकुलेट ऑल दिस बेसिक पैरामीटर्स तीन कौ को मर्ज करते हुए कैरेक्टरिस्टिक कौ बनता है फर्स्ट हेड वर्सेस फ्लोरेट सेकंड एफिशिएंसी वर्सेस फ्लोरेट एंड थर्ड पावर वर्सेस फ्लोरेट सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस कौज बाय दिस फिगर्स सो अगर पंप कॉन्स्टेंट इंपेलर डायमीटर और कॉन्स्टेंट स्पीड पे ऑपरेट किया जाए तो हमने अभी डिस्कस किया था कि हेड वर्सेस क्यू का जो कौ हमें मिलता है उसका बेहेवियर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर विल बी देर जहाँ पर यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है कि ये रेंज जो रहती है वो फेवरेबल कंडीशन रहती है जो इंडस्ट्री में जनरली ये कंडीशन पर ऑपरेट करते हैं जहाँ पे हेड में इतना चेंज नहीं होता है बट फ्लोरिट तो दिस विल बी द फेवरेबल कंडीशन जो हमने अभी डिस्कस किया न वही ग्राफ पे अगर मैं उसको एक्सटेंड करूँ कौथ को तो एट दिस पॉइंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्लोरिट मेरा जीरो है बट द हाइएस्ट हेड दैट कैन अटेन फ्रॉम दिस सेंट्र फ्यूगल पम्प सो so, वो पॉइंट को बोला जाता है शट ऑफ हेड जहाँ पे डिस्चार्ज वाल होता है वो कम्पलीटली क्लोज रहता है तो हमें मैक्सिमम हेड अचीव होता है वही दूसरी जगह पे हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस पॉइंट विच इज हेड इज जीरो बट क्यू इज़ मैक्सिमम तो वो पंप के थ्रू हमें इतना मैक्सिमम फ्लोरेट मिल सकता है वो हालांकि पॉसिबल नहीं है इन द रियल लाइफ वो कैसे अचीव हो सकता है जो भी हमारा कंट्रोल वाल है डिस्चार्ज के पहले जो भी कंट्रोल वाल है उसको पूरा ओपन किया जाए तब जाके हमने ये पॉइंट मिला जिसे बोलते हैं फ्री डिलीवरी फ्लो तो हमारा पंप जो होता है विल वर्क इन बिटवीन दिस टू पॉइंट दैट इज एट मैक्सिमम मैक्सिमम हेड एंड के बीच में नाउ सेकंड कहो इज एफिशियंसी वर्स फ्लोरिड तो एफिशिएंसी का इक्वेशन हमें पता है रोजी क्यू एच डिवाइडेड बाय ओमेगा इनटू टावर शॉफ्ट जहां पे हमें पता है कि रोजी ओमेगा टावर शाफ्ट इज द कॉन्टेंट वैल्यू और यहाँ पे जो भी चेंज होगा दैट विल बी फ्लो रेट एज वेल एज हेड जिसकी इम्पैक्ट हमें एफिशिएंसी पे मिलेगी और ये कंडीशन अभी हमने डिस्कस की कि क्यू इक्वल टू जीरो पे एफिशिएंसी हमारी जीरो आएगी जो इक्वेशन से हमें पता चल सकता है तो एट कॉन्स्टेंट डायमीटर एंड कॉन्स्टेंट आरपीएम अगर हम एफिशियंसी वर्सेज रेट का ग्राफ देखें तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर दैट वी आर गोइंग टू गेट एज वी आर इंक्रीजिंग द फ्लो रेट द दफिशियंसी विल बी इंक्रीज बट अप टू सर्टेन पॉइंट वो पॉइंट के बाद हमारी एफिशिएंसी कम होगी क्यों क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि फेवरेबल कंडीशन रहे उसके बाद जो हेड में रिडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है तो वो केस में फिर से हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी सो दिस इज नॉर्मल एफिशिएंसी वर्सेस फ्लोरेट को नाउ थर्ड ग्राफ इज़ पावर वर्सेज फ्लोरेट तो पावर का इक्वेशन हमें पता है रोज ही क्यू एच जहाँ पर रोज ही कॉन्स्टेंट रहता है ये एफिशिएंसी जैसा ही रिलेट हम कर सकते हैं जहाँ पर फ्लोरेट और हेड की इम्पैक्ट पावर पे ज़्यादा रहने वाली है तो अगर हम पंप कांस्टेंट डायमीटर और आरपीएम पे ऑपरेट करे तो ये टाइप का हमें बिहेवियर मिलेगा दैट इज द स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ बिहेवियर जैसे ही मैं फ्लो रेट बढ़ाऊंगा वैसे मेरा पावर बढ़ेगा एंड दिस इज़ इन द फेवरेबल कंडीशन अगर इसके आगे हम बात करें तो मे बी हेड कम हेड कम हो जाएगा तो ये पावर का भी इधर से कम हो सकता है बट दिस इज एट द फेवरेबल कंडीशन और यही कंडीशन पे हमें चार्ट रीड करना है सो so जैसे ही मैं फ्लो रेट बढ़ाऊंगा वैसे ही मेरे पावर में इंक्रीज आएगा नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट इंपेलर डायमीटर। तो जैसे ही मैं डायमीटर बढ़ाऊंगा, सो दिस क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू डी अभी हमने एफिनिटी लॉ में डिस्कस किया और एच इज़ प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर तो जैसे ही डायमीटर बढ़ेगा वैसे फ्लोरेट और हेड भी बढ़ेगा तो वो ग्राफ का अगर डिस्कशन किया जाए एट डिफरेंट इंपेलर डायमीटर तो को हमें सिमिलर मिलेगा बट जैसे ही मैं डायमीटर फोर से फाइव इंच कर रहा हूँ तो मुझे हेड की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा मिलेगी फाइव से सिक्स कर रहा हूँ तो उससे ज्यादा मिलेगी दैट इज एज पर द एफिनिटी लॉ एंड दिस इज द बिहेवियर दैट वी आर गोइंग टू गेट नेक्स्ट इज एफिशिय वर्सेज फ्लोरेट बट एट डिफरेंट डिफरेंट इम्पेलर डायमीटर तो अभी हमने एक कौ डिस्कस किया लेट से दिस इज व्हाइट कलर कौ दैट वी डिस्कस्ड लेट से इट इज एट फोर इंच ऑफ इम्पेलर डायमीटर अब जैसे ही मैं इंपेलर का डायमीटर बढ़ाऊंगा वैसे ही फ्लो होने में फ्लुइड को रेजिस्टेंस कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा दैट मीन्स एफिशिएंसी बढ़ने वाली है तो यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हो दैट दिस इज एट फोर इंच लेट से दिस इज फाइव इंच एंड लेट से दिस इज सिक्स इंच तो एट पर्टिकुलर फ्लो रेट अगर मैं वो इंपेलर डायमीटर का पॉइंट देखो तो यहाँ पे एफिशिएंसी लेट से 65 मिल रही है उससे ज़्यादा डायमीटर में 75 और उससे ज़्यादा डायमीटर में करीबन 90 परसेंट मुझे एफिशिएंसी मिल रही है सो एज़ इंक्रीजिंग द डायमीटर एफिशिएंसी भी बढ़ेगी क्यों क्योंकि फ्रिक्शन कम होता जाएगा बट यहाँ पे लेट्स डिसाइड दैट मैंने 60 परसेंट की एफिशिएंसी डिसाइड की है अब 60 परसेंट पर मेरे पास हर एक फ्लोरेट मिल जाएगा एट डिफरेंट इम्पेलर डायमीटर लेट्स ए दिस इज़ फोर इंच डायमीटर जिसका मुझे एक फ्लोरेट मिल जाएगा ये दूसरा फ्लोरेट मिल जाएगा सिमिलरली एट द सेम एफिशियंसी मुझे फाइव इंच इंपेलर डायमीटर का भी दो फ्लोरेट मिलेगा और सिक्स इंच का भी दो फ्लोरेट मिलेगा So at constant sixty percent efficiency, I am going to get different value of this Q. Okay. So if I'll plot efficiency versus different uh, flow rate value, so I am going to get this kind of curve. That at eighty percent, I am getting this different Q value for different impeller size. At seventy percent, I am getting this curve, and at sixty percent, I am going to get this locus. सो दिस इज द सेकेंड कॉ देट इज इन द कैरेक्टरिस्टिक कॉ नाउ थर्ड वन इज पावर वर्सेज क्यू हमने अभी डिस्कस किया सो लेट डिस्कस ऑन द डिफरेंट एम्पेलर डायामीटर जैसे ही मैं फोर इंच से फाइव इंच में जा रहा हूँ लेट्स से मैंने डायामीटर बढ़ाएगा तो इसका मीनिंग ये है कि उसको फ्लो करने में ज्यादा पावर लगेगा सो एट द सेम फ्लोरेट लेट्स डिस्कस ये फ्लोरट है और ये फोर इंच का एम्पेलर है तो उसमें मुझे पावर कम लगेगा क्योंकि वो डायमीटर कम है उसे रोटेट करने में कम पावर लगेगा बट अगर मेरा डायमीटर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फ्लो अलाउ करेगा जिसके लिए मुझे पावर भी ज़्यादा देने पड़ेगा और सिमिलरली उससे ज़्यादा डायमीटर में ज़्यादा पावर देना पड़ेगा दैट मीन्स इफ़ आई एम इंक्रीजिंग द डायमीटर सो पावर इज़ प्रपोशनल टू डी क्यूब जैसे हम डायमीटर बढ़ाएंगे इतना ज़्यादा से ज़्यादा पावर बढ़ेगा ओके okay? सो so, यहाँ पर भी सेम चीज़ हम देखते हैं कि एक कॉन्स्टेंट प्रेशर मैंने डिसाइड कर लिया लेट से थ्री हॉर्स पावर वही हॉर्स पावर पे अगर मैं डिफरेंट साइज़ डायमीटर का पावर देखूँ तो मुझे तीन डिफरेंट वैल्यू मिलेगी वन टू एंड थ्री तो ये हिसाब से अगर एट कॉन्स्टेंट पी थ्री एच पी अगर मैं फ्लोरेट की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा फ्लोरेट की वैल्यू मिलेगी एट डिफरेंट डायमीटर सो वो हिसाब से ओवरऑल जो मेरा कॉ मिलेगा एज यू मे सी दैट इन द ऑरेंज कलर दिस इज़ द ओवरऑल एट डिफरेंट पावर आई एम गोइंग टू गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द

उससे ज़्यादा स्पीड और ये मैक्सिमम स्पीड है तो सेम बिहेवियर मुझे मिल रहा है जैसे स्पीड बढ़ाऊंगा वैसे हेड बढ़ेगा और हर एक चीज़ में फ़र्क आएगा तो लेट्स कंसिडर वन ऑफ दी पॉइंट लेट्स से वन ट्वेंटी मेरे पास फ्लो रेट है अगर वो फ्लो रेट पर मैं वन सेवन फाइव जीरो आर पी एम पे ऑपरेट कराऊँ तो मुझे हेड भी कम मिलेगा वो केस में मेरा जो पावर है वो भी सबसे कम होगा और जो मेरी एफिशिएंसी है वो भी कम रहेगी बट अगर सिमिलर केस में मैं डिफरेंट स्पीड पे ऑपरेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे हेड भी ज़्यादा मिल रहा है इन दैट केस मेरी जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा है और पावर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है तो वो हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमें ऑप्टिमम कंडीशन में पंप ऑपरेट करना चाहिए जैसे कि हमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल पाए